गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिंगल एकेडमी बाय उषा सिंगल में आपका स्वागत है। हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि के अंतर्गत अभी तक हमने संधि के भेदों में स्वर संधि को पढ़ा। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, जिसमें से हम दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट, वृद्धि संधि। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था हर्ष और दीर्घ का मेल होने से वो दीर्घ हो जाता है, चाहे हर्ष और दीर्घ का मेल हो या दीर्घ या हर्ष का मेल हो, दोनों ही रूप में वो दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय देवी प्लस ईश देवी, ठीक है। गुण संधि में ए या आ के बाद ई या ई आए तो ई को ए हो जाता है, ए आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम वृद्धि संधि पढ़ते हैं। वृद्धि संधि में क्या है, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। बढ़ना मीन्स किसी भी चीज का बढ़ना, किसी भी चीज की वृद्धि हो जाना। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे ये वृद्धि संधि होती है। सबसे पहले हम इसका नियम देखते हैं। नियम है इसका ए या आ के बाद यदि ए या आई आए, या तो ए आए या आई आए, ए आ के बाद ए या आई आए तो हमारा आई हो जाता है, ठीक है। दूसरा नियम है हमारा ए या आ के बाद अगर ओ या औ आए तो हमारा औ हो जाता है। तो अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हित प्लस एशी, यहाँ पर हमारा ए आया और यहाँ पर ए आया, तो ए और ए के मेल होने से हमारा बन जाएगा ये हितैषी, ठीक। ऐसे ही यथा प्लस ए, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ए है, आ और ए से हमारा बनेगा आई अर्थात यथैव। उसी प्रकार से तथा प्लस ए, यहाँ पर हमारा आ है यहाँ पर हमारा ए है, तो आ और ए के मेल से हमारा आई बनेगा, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा तथैव। इसी प्रकार से आगे हम उदाहरण देखते हैं, एक प्लस एक, अब यहाँ पर हमारा ए है यहाँ पर हमारा ए है, तो ए और ए के मेल से हमारा हो जाएगा एक एक। लोक प्लस एशणा, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, तो ए और ए के मेल से हमारा बन जाएगा लोक एशणा, यानी यहाँ पर दो मात्रा। परम प्लस ऐश्वर्य, अब यहाँ पर हमारा ए है और यहाँ पर हमारा आई है, तो ए और आई के मेल से हमारा आई हो जाएगा परमेश्वर। महा प्लस एके महके, आ और आई का बना हमारा आई, तो हमारा बन गया महिके। इसी प्रकार से हमारा दूसरा नियम था ए और आ के बाद सेकंड नियम आता है हमारा ए आ के बाद यदि ओ या औ आए तो हमारा औ हो जाता है। तो इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। दंत प्लस ओष्ठ, यहाँ पर ए और यहाँ पर ओ, तो हमारा बन जाएगा दंतोष्ठ। इसी प्रकार से अधर प्लस ओष्ठ, यहाँ पर ए और यहाँ पर ओ,
यानी तो हमारा बन गया औ अधर औष्ट। नेक्स्ट परम प्लस औषध परम औषध, यहां ए है या ओ है तो हमारा बन गया परम औषध। अब नेक्स्ट है जल प्लस औध, यानी यहां पर ए है यहां ओ है तो हमारा हो गया जलौध जलौध। ऐसे ही नेक्स्ट आपका है महा प्लस ओज, यहां पर आ है यहां ओ है तो हमारा बन गया महोज। नेक्स्ट राजा प्लस औदारे, तो यहां पर आ है यहां ओ है तो हमारा बन गया राज औदारे राज औदारे। लास्ट हमारा महा प्लस औषध, यहां पर आ है यहां ओ है तो हमारा मिलकर बन गया महोषध। तो बच्चों आपको कंफ्यूजन हो सकता है गुण संधि और वृद्धि संधि के अंतर्गत, हमें ये ध्यान रखना है, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक भी है और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो सकता है इससे। अगर आपका ए और आ के बाद ई और ई आए तो आपकी संधि है गुण, ठीक है। जैसे सुर प्लस ईश सुरेश, महा प्लस ईश महेश, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, ठीक है। दूसरा नियम गुण संधि का, ए और आ के बाद अगर ऊ या ऊ आए तो हमारा ओ हो जाता है। जैसे लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिक उत्सव। तीसरा नियम है हमारा ए और आ के बाद अगर री आए तो हमारा अर हो जाता है। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि। ये तो हो गई हमारी गुण संधि की बात। अब हमारी होती है वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में हमें ये ध्यान रखना है ए आ के बाद अगर ए आई आता है तो हमारा आई होगा, ए आ के बाद ओ या औ आता है तो हमारा औ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे यथा प्लस एव, यहाँ पर आ के बाद ए आया है यथे। परम प्लस ऐश्वर्य, यहाँ ए के बाद आई आया है परमेश्वर्य। दूसरा नियम राजा प्लस औदार्य राज औदार्य, जल प्लस औध जलौध। तो आई थिंक आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया और आपकी ये शॉर्ट ट्रिक काम आएगी। एक दूसरी बात ये भी हमें याद रखनी है, वृद्धि संधि जब हम करेंगे तो कभी भी दो मात्राएं जहां पर होंगी वहां पर वृद्धि संधि ही होगी, क्योंकि और कोई दो मात्राएं नहीं होती। ये ध्यान रखना है जहां ए की मात्रा हो ओ की मात्रा हो वहीं पर वृद्धि संधि होगी, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।